मैं आपको यहाँ पे बताऊं और ये आपके लिए टिप भी आपको फायदेमंद रहेगी। द बेस्ट टाइम, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू सेल द वेबसाइट। ठीक है, जो बेस्ट टाइम है ना जनाब, अगर आपने वेबसाइट को सोल्ड करना है अच्छी प्राइस पे, वो है जनवरी फरवरी। ठीक है, रीजन ये है कि इन नवंबर और दिसंबर, ठीक है, आप बल्कि नवंबर दिसंबर की भी एंड में सोल्ड कर सकते हो, लेकिन रेकमेंडेड ये है कि आप जनवरी तक जाओ तो आपको बहुत फायदा होगा। उसकी रीजन ये है कि इन दिसंबर जनवरी में हॉलीडेज की वजह से और शॉपिंग सीजन की वजह से, साइट्स पे ट्रैफिक ज्यादा आता है, राइट। और अगर आपने कीवर्ड से कस्टमाइज किया हुआ है, अगर आपके एफिलिएट वेबसाइट अमेजोन से रिलेटेड ट्रैफिक आपके पास आ रहा है, तो आपके पास ट्रैफिक ज्यादा आएगा और एडसेंस और एड्स भी आपको ज्यादा मिल रहे होंगे और एड्स का सीपीसी भी ज्यादा होगा। आप में से लोगों ने नोटिस किया जो एडसेंस पे या डिफरेंट साइट्स पे वर्किंग कर रहे हैं या एफिलिएट मार्केटिंग में वर्किंग कर रहे हैं, कि इन 2-3 महीनों के अंदर आपका रेवेन्यू बाकी महीनों से बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ज्यादा होता है, डिफरेंस आपको खास नजर आ जाता है। रीजन यही है कि उस टाइम पे बाइंग ज्यादा हो रही होती है, लोग ज्यादा सर्च आउट कर रहे होते हैं, उस टाइम पे बायर्स कर रहे हैं, एडवर्टाइजर्स के अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन हो जाता है, तो वो एड्स की प्राइस इंक्रीज हो जाती है, राइट। तो अगर आप इन 2-3-4-5 महीनों में सही तरह वर्किंग करेंगे और यहाँ पे आपका ट्रैफिक और सेल्स इंक्रीज होगी, तो जाहिर सी बात है जब नेक्स्ट मंथ में आप जाओगे तो जो स्टैट्स आपके पास यहाँ पे बने होंगे वो अच्छे स्टैट्स बने होंगे, वो हायर स्टैट्स बने होंगे, तो यहाँ पे आपको प्राइस भी अच्छी मिलेगी। बात समझ आई आपको कि इसके पीछे क्या लॉजिक है कि अब सेल करना है।